Hello guys, how are you all? I hope so you are doing well. My name is Nadul and you are watching a YouTube channel Learn English with British. So guys, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे नए एपिसोड में. आज हम सीखेंगे कुछ नया. Exactly guys, the word is written here, different uses of must. आप पढ़ रहे होंगे. Must एक ऐसा word है जो अक्सर आप सबके डिक्शनरी में ऐड है. But exactly what the uses of a must? क्या use है? क्यों use करते हैं must का? So I want to say here this, you can say it is, he is the elder brother of should. ये should का elder brother है. I will tell you what's the use of should in other video. मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा should का use क्या होता है. लेकिन must एक use होने वाला word है जिसको आप use करते हैं to give someone advice strongly. किसी को वो काम जरूर करना चाहिए, किसी को वहाँ जरूर जाना चाहिए. In this condition you use must. So guys, let's get started. The first word is written here, must. Okay, आप इसमें पहला सेंटेंस देख रहे होंगे, इसमें लिखा है यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. यस, इसका मतलब क्या है आपको ये समझना है. जब आप किसी से बोलते हैं भाई यार तुम यार दो महीने से तीन महीने से तुम कब से तैयारी कर रहे हो, तुम्हें अब तो बोलनी ही चाहिए, अब तो बहुत टाइम हो गया है, इंग्लिश में बोल सकते हैं यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. एग्जैक्टली, आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में. जैसे इसमें लिखा है यू मस्ट कम ऑन टाइम, मतलब कि आप डेली लेट में आते हैं. आज मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि यार आपको जल्दी आना ही चाहिए, आपको समय से आना ही चाहिए. यू मस्ट कम ऑन टाइम. एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, यू मस्ट कम ऑन टाइम. वेल पीपल, इसी के साथ में एक थर्ड सेंटेंस हम यहाँ पर लेंगे, यू मस्ट टॉक विद योर पेरेंट्स. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने पेरेंट्स से बोलते नहीं है. एग्जैक्टली गाइस, ऐसे बहुत सारे लाइक केसेस हैं जिसमें लोग लाइक अलग रहते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं. सो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है तो आप उसको तुरंत जाके एक एडवाइस कर सकते हो, भाई अब तो तुम्हें बात करनी चाहिए, अब बात बहुत आगे है, तुम भी बड़े हो वो भी बड़े हैं, लेकिन अब आपको बात करनी चाहिए डैड से, पापा से, मम्मी से. तो यू मस्ट टॉक विद योर पेरेंट्स. एक बार फिर से बोलेंगे, यू मस्ट टॉक विद योर पेरेंट्स. ओके फाइन, सो लेट्स मेक न्यू सेंटेंस रिलेटेड टू मस्ट इन प्रेजेंट. ओके, ये सारा आपका प्रेजेंट का खेल चल रहा है. इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर प्रेजेंट. ओके फाइन, जब आप किसी से बोलते हैं, आप किसी को एडवाइस करते हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस करते हैं, यार तुम कब से डिस्टर्ब कर रहे हो यार, मतलब कि मैं किसी काम में बिजी हूँ, मैं लाइक उस काम को कर रहा हूँ, तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो यार, अब तुम्हें मैसेज नहीं करना चाहिए. यू मस्ट नॉट सेंड द मैसेज. आप यहाँ पर बोल सकते हैं मस्ट का यूज होता है जरूर, ठीक है. एग्जैक्टली, या हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस, या फिर 100% श्योरिटी के साथ बोलते हैं यार अब तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यू मस्ट नॉट डू लाइक दिस. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम से लाइक अगर कोई आपसे चीट कर रहा है, अगर कोई आपके पैसे बार बार ले रहा है, अगर कोई आपका फोन चेक कर रहा है, तो आपको बोल सकते हैं भाई साहब आपको मेरा फोन नहीं छूना चाहिए. यू मस्ट नॉट चेक माई फोन. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको? यू मस्ट नॉट चेक माई फोन. ओके, इन प्रेजेंट यू मेक मेनी मोर सेंटेंस लाइक दिस. आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड, सपोज दैट आपका फ्रेंड आपको आपसे बात नहीं करता है, तो आप उसको बोलोगे यार अब तुमको मुझसे बोलना चाहिए. यू मस्ट टॉक विद मी. क्या बोलोगे इंग्लिश में वहाँ पे आप? यू मस्ट टॉक विद मी. तो एक दो साल हो गए हैं हम लोग की चैटिंग हुई है, हम लोग मिले भी नहीं हैं. एग्जैक्टली, मेरा दोस्त होम टाउन में, मैं यहाँ हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ यार अब तो तुम्हें आना चाहिए यहाँ पर. यू मस्ट कम हियर. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको? यू मस्ट कम हियर. सो दैट्स इट, इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंट एंड ऑल. अब मैं यहाँ पे आपको लिखकर सुनूंगा मस्ट बी. व्हाट इज द यूज ऑफ मस्ट बी हियर? मस्ट बी का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा लिखा है इट मस्ट बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, अ सिंगर, या एग्जैक्टली. अब आप बात करेंगे नॉन वर्ब के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नॉन वर्ब होती हैं. एग्जैक्टली, आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर. वो जरूर डॉक्टर है यार, 100% मैं श्योर हूँ, मैंने उसको देखा है कई बार प्रैक्टिस करते हुए. तो ही मस्ट बी अ डॉक्टर, ठीक है. अगर आपके सामने कोई गाना गा रहा है, अगर उसने अच्छा गाना गाया है, तो बोलो यार ये पक्का सिंगर होगा, 100%, ठीक है. तो ही मस्ट बी अ सिंगर. क्या बोलना है वहाँ पे आपको इंग्लिश में? ही मस्ट बी अ सिंगर. नेक्स्ट यू कैन से लाइक अगर कोई डांस कर रहा है तो वो डांसर है. एग्जैक्टली, यू कैन से ही इज अ डांसर. आप श्योर नहीं है, अगर आप श्योरिटी को लेकर बोलना चाहिए यार वो जरूर डांसर ही है यार, पक्का डांसर है वो. ही मस्ट बी अ डांसर. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको? ही मस्ट बी अ डांसर. नेक्स्ट आई एम मूविंग हियर, इट मस्ट बी अ 4 o'clock, ठीक है.
टाइम के लिए आप श्योर हो रहे हैं यहाँ पर, आप ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यार लाइक अगर आपको बोलना होगा कि 4 बजे तो आप बोलोगे इट्स 4 o'clock, लेकिन अगर आप बोलोगे 4 ही बजे इट मस्ट बी अ 4 o'clock. जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वॉच भी नहीं है, फोन भी नहीं है और हमको टाइम पता लगाना है, तो आप गेस करते हैं यार इसमें 4 बजे होगा यार. हाँ आई एम श्योर इसमें 4 ही बजे होगा, इट मस्ट बी 4 o'clock. ठीक है, 5 बजे होगा, इट मस्ट बी 5 o'clock. ठीक है, ओके फाइन. सो आप अगर श्योरिटी के साथ बोलोगे 5 ही बजे होंगे, तब भी आपको संडे का लगाना है, इट मस्ट बी 5 o'clock. नेक्स्ट मैं आपसे बताऊंगा यहाँ पर वी का यूज और कहाँ पे ऐसे कर सकते हैं. जैसे आपने मैंने बोला कि यार तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो मेरे डैड कहाँ है, तो वो मुझसे बोलता है आई डोंट नो यार तुम्हारे पापा कहाँ है, तो मैं उसे बोलूंगा तुम्हें पक्का पता है, तुम बता नहीं रहे हो, तुम 100% जान रहे हो. ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग. क्या बोलोगे इंग्लिश में? यू मस्ट बी नोइंग. फिर से बोलिए इंग्लिश में, यू मस्ट बी नोइंग. फाइन, लाइक सपोज दैट आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और वो कॉल आपका पिक नहीं कर रहा है, तो आप गेस करते हैं यार वो शायद बिजी है. ठीक है, लेकिन उसने टेक्स्ट किया मैं मीटिंग में हूँ, फिर हमने कॉल किया, फिर कॉल नहीं किया, तो आपको 100% यकीन होता है कि यार वो जरूर इस समय मीटिंग में है. ही मस्ट बी इन अ मीटिंग. क्या बोलोगे इंग्लिश में? ही मस्ट बी इन अ मीटिंग. वेरी गुड गाइस, लेट्स मूव अहेड अबाउट द इट मस्ट हैव बीन 4 o'clock. मीन्स आप बात कर रहे हैं यहाँ पर पास्ट के बारे में, ये प्रेजेंट था, आपने यहाँ से आपका पास्ट स्टार्ट हो गया है. वेल यू टॉक अबाउट द पास्ट, तो आपको वहाँ पे यूज करना होगा मस्ट हैव प्लस. यहाँ पर बीन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइम के बारे में, जो कि एक नो एक्शन की तरह वर्क करता है. टाइम के लिए आप लोग इज यूज करते हैं, वॉज भी यूज करते हैं. ठीक है, तो बी और बीन नहीं आएगा यहाँ पर. आपको अगर संडे बोलना होगा कि इस समय जब मैंने आपको कॉल किया था उस समय 4 ही बजे होगा. When I called you, it must have been 4 o'clock. When I called you, it must have been 4 o'clock. ठीक है भाई, 4 बजे होगा उस समय जब मैंने तुम्हें कॉल किया था. ठीक है, तुमने कॉल पिक नहीं किया मेरा, यू डिड नॉट पिक माई कॉल. ओके फाइन, आप इसमें और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि यू कैन मेक द सेंटेंस हियर, वो इस समय जरूर बिजी होगा इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया तुम्हारा. ही मस्ट बी बिजी. क्या बोलोगे इंग्लिश में यहाँ पर? ही मस्ट बी बिजी. ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस पास्ट का बनाना है, यार उस समय तुमने जब कॉल किया था मेरे पास तब मैं बिजी था. ठीक है, तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा यार तुम जरूर उस समय बिजी हो गए, तभी तुमने कॉल नहीं पिक किया था. यू मस्ट हैव बीन बिजी. एक बार फिर से बोलिए, यू मस्ट हैव बीन बिजी. फिर से बोलना है आपको एक बार, यू मस्ट हैव बीन बिजी. नेक्स्ट में आपसे बताऊंगा यहाँ पर लास्ट लिखा है, ये थोड़े मेरे पास क्वेश्चन हैं. एग्जैक्टली गाइस, यू मस्ट हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल. ओके ओके, हियर वी आर यूजिंग द थर्ड फॉर्म. ये थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि हैव और जब हम लोग पेयर टाइमर की बात करते हैं तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है. यू मस्ट हैव सब्सक्राइब माई चैनल. एग्जैक्टली, तो मैं जरूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. ये बात होगी पास्ट की, इसलिए आप यूज करें यहाँ पर, यू मस्ट हैव सब्सक्राइब माई चैनल. ओके नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा यू मस्ट हैव सीन ऑल वीडियोस. आपने जरूर मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी. यू मस्ट हैव सीन माई ऑल वीडियोस. ओके गाइस, आप इस तरह के और भी सेंटेंस बना सकते हैं. एक बार एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं. जैसे मैंने बोला वो इस तुम्हें इस समय जाना चाहिए, तुम्हें इस समय जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें अब लिखना ही चाहिए, यू मस्ट राइट. ओके गाइस, लाइक अगर कोई बंदर ज्यादा शराब पी रहा है तो उसको बोल सकते हो यार इतनी शराब क्यों पीते हो, नहीं पीनी चाहिए तुमको, यू शुड नॉट टेक लिकर. बट एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बीमार होने लगेंगे तो आप उनको बोलोगे यार अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, यू मस्ट नॉट टेक लिकर. फिर से बोलिए इंग्लिश में, यू मस्ट नॉट टेक लिकर. लाइक आई कैन से हियर, मैं आपसे बोल सकता हूँ आपको फोन नहीं छूना चाहिए यार, यू शुड नॉट टच अदर्स फोन. लेकिन अब आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दोगे, तुम्हें बिल्कुल भी फोन नहीं छूना चाहिए, मतलब कि कोई जरूरत नहीं फोन छूने की, या फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी फोन छूने की, तो यू मस्ट नॉट टच द फोन. आपको फोन छूना ही नहीं चाहिए, गलती की आपने. नेक्स्ट, आप इसमें अब भी लगा सकते हैं, लाइक यू मस्ट बी ऑन टाइम, यू मस्ट बी राइटिंग अ लेटर, यू मस्ट बी लिसनिंग अ सॉन्ग, यू मस्ट बी टेकिंग बाथ. सो यहाँ पे हम लोग ने आज सीखा मस्ट,
must have been and must be. In the next topic, I will teach you what is the use of should here. Should ke use kya hota hai guys, okay? So that's it from my side guys. People, hope so you enjoyed a lot. If you like this video, so please do comment, okay? Agar aapko mera video pasand aaya hai, to please aap video ko like kare, share kare aur mere channel ko subscribe kare. Main aapke liye fir se ek naye video ke saath mein aaunga. Tab tak ke liye, goodbye.